पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चांशल सेक्टर जो एडिटर होता है उसकी ह्यूमन के साथ पार्शियल रोल होती है। इस टॉक में वो इधर ह्यूमन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इस रोल वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, लेकिन जैसे वहां से पाता है उसके पास शियाफोन और बाकी लोग आ रहे थे जो यहाँ पर उसकी जान लेने के लिए आए होते हैं। उनसे पार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ चुका था कि वो यहाँ पर तीनों लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके बाद सारे लोग मिलते हैं वहां पर उस एडिटर की जान ले लेते हैं। जिस वजह से वो एडिटर भाता मारा जाता है, तो वही बाकी सारे ह्यूमन लेस्टर स्वाम्प के उजाला बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर उन्होंने ऐसा लगा था कि यहाँ पर वो ट्रेजर आने वाला है। लेकिन वहां आने के बाद उनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक स्नेक पड़ गया होता है, जो कि काफी बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल का, जिसके बाद यहाँ एपिसोड शुरू होता है। प्लस एपिसोड की शुरुआत में वो सारे नॉर्मल उस स्नेक को देखकर एकदम ज्यादा घबरा दे होते हैं कि आप वो यहाँ पर उस स्नेक का मुकाबला कैसे करेंगे। उस स्नेक की आर्किंग इतनी बड़ी होगी कि उसके अंदर एक पूरा का पूरा ह्यूमन समाज है, जिस चीज से सायनों की वहां पर हालत खराब हो गई होती है। वो सभी वहां से अपनी जान बचा पर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो स्नेक थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि उसके चलने से वहां पर पूरा का पूरा तूफान आ चुका था, जिस तूफान के अंदर सारे के सारे नॉर्मल आ जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वरना कोई भी अगर तूफान के बीच में आ गया तो 100% चांस है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा। देखिए आसपास का पूरा चंद्र ही उस तूफान की वजह से उजाड़ रहा होता है, साथ ही आसपास उसमें का इतना खतरनाक पॉइजनस ऑरा फैला हुआ था कि कोई एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहा होता है कि उसके सामने कोई है भी या फिर नहीं। सभी की आंखें चौंधिया गई होती है उस स्नेक की ऑरा की वजह से, जिस वजह से काफी साइन विदो जो चाकर फिका जाए। वहीं पर हम दोनों को देखते हैं, जिसमें से एक डिफैपन होता है और दूसरा अत्यानंद टेनपन का मॉन्क होता है। वो दोनों भी काफी दूर आकर फिका चुके थे और उन्हें तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि आसपास के सारे लोग गए तो गए कहां पर, जिससे वो भी यहाँ पर घबरा जाते हैं। इधर हम शिनाफोन को देखते हैं जो पूरे एकेडुक के साथ आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो स्नेक था। उसके सामने वो तूफान आता है, लेकिन वो तूफान को आसानी से काटते हुए बाहर से आगे बढ़ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उस तूफान पर तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो जितना दूर आता जा रहा होता है वो तूफान उतना ही ज्यादा गहरा होता जा रहा था। तब शियाफोन तो बंद होता है, उसे पीछे इशारा देते हुए बताता है कि पीछे देखो यहाँ से एक बहुत ही खतरनाक तूफान हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। और जैसे वो तूफान शियाफोन के एकदम करीब आ जाता है, वो वहां पर भी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शिविर बना देता है। स्केल्डन वो अपने आप को और अपने बंदे को डाउन देता है ताकि वो तूफान का असर उसके ऊपर ना हो पाए। लेकिन शियाफोन कह रहा होता है कि जब तक हम शिविर के अंदर है तब तक तो हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि जैसे जैसे यहाँ का कहना होते जाएगा हमारी कुछ भी नहीं बीत पाएंगे। और तब तो हाँ से वो स्नेक आया था हमारी जान ले ले, ये भी हम नहीं जानते इसलिए हमें कैसे धीरे धीरे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद शियाफोन वहाँ पर ह्यूमन एनर्जी की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उसने अपनी दोनों पावर को आपस में मिला लिया था। उसके मिलाने की वजह से पापा इतना कहन का और बाहर निकल रहा होता है। उस ऑरा की वजह से आसपास का कभी तूफान था वो सभी कम होने लगता है और स्ट्रील के अंदर जिमर गैंग एनर्जी पूरी तरह से भर चुकी थी, जिस वजह से शियाफोन अपनी शेरू के लिए वहां से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसके इतने ज्यादा अटैक करने की वजह से बीपार था जो पॉइजनस ऑरा था वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर शियाफोन थोड़ा घबरा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर वो इस पॉइजनस ऑरा को कैसे रोकेगा, ये तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ये मुसीबत भी उन्हें कम नहीं थी, कभी वहां पर वो स्नेक भी आ जाता है जो अब शियाफोन के शरीर के पास ही गुजरना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाफोन उसका बंदे दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि इसमें शियाफोन की उम्मीद से ज्यादा पड़ा और पावरफुल था। शियाफोन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को अपने बंदे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब उसे एक चीज समझ में आई, स्नेक को यहाँ से बाहर निकलने रास्ता जल्द मालूम हो गया था। मैं इसका पीछा दर्द जाओ तो हो सकता है मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, इसलिए मुझे इस स्नेक का पीछा करना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से उस स्नेक का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम जिन्यू को देखते हैं जो अकेला जंगल में आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वो भी अपने बाकी सारे साथियों से अलग हो चुका था। पर इसके सामने से एक बास गुजरता है जो की किसी मौसम की तरह दिखाई दे रहा था, वो वहां पर जिन्यू के पीछे पड़ गया होता है। इससे जिन्यू अपने स्वॉट पे खड़े होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर उस बास के चौबे से बच सके, क्योंकि वो बास तो रुकने दिन हमें मिल रहा था। वो पूरी तरह से जिन्यू के पीछे पड़ गया होता है जिन्यूटी जार ले सके। और जैसे ऐसे जिन्यू उस बास से बचकर भाग रहा होता है, उस बास ने उसे पीछा करते हुए जंदर के एकदम गीच में लेकर आ चुका था, जहां लेके बाद जिन्यू बुरी तरह से फंस चुका होता है क्योंकि अब आसपास से कई फैनेट पॉइजनस स्नेक और अलग अलग तरह ही मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने लग गए थे जो कि सभी जिन्यूटी पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। अब जैसे ही स्नेक जिन्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उसने वहां अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक को वहां पर ताट दिया होता है, लेकिन खतरा यहाँ पर अब भी खत्म नहीं हुआ था। वहां पर वही पॉइजनस ऑरा वापस से आना शुरू हो जाता है। ये देखो तो अब जिन्यू भी थोड़ा घबरा रहा था, वो खुद में कहता है मुझे कैसे भी करते यहाँ से बाहर निकलना होगा, ले चाहे अपनी कितनी भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल करो, मैं थोड़ी बहुत मॉन्स्टर को यहाँ पर मार सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर लॉस्ट हो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, ला जाने यहाँ पर कितने लाखों मॉन्स्टर होंगे जिनसे मुझसे फाइट कभी नहीं होगी, इसके बना इसी में है कि मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढू। जिसके बाद दोबारा से अपने स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ लैसेंजर को देखते हैं जो खुद भी अपने बाकी सारे साथियों से अलग होकर चंदम के बीच में आ गया होता है, जहाँ पर उसके साथ फ्रेंड शान दी लड़की भी होती है। वो दोनों अपने सारे साथियों से अलग हो चुके हुए, तब उसमें ऐसा यू को ऐसा लगता है
आसपास जरूर कोई ना कोई है जो इसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो पीस टूवर्ड निकाल का उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। इसके बाद वहां पर एक पॉइजनस स्कॉर्पियो आ चुका था जो सीधा वहां पर आते ही फेंगशन वनी वन लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसने सिंगिंग नफी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर उसे स्कॉर्पियो को खत्म कर दिया था। लेकिन वो स्कॉर्पियो भी कम नहीं था, बेट फिक वेक भी वहां पर एक के बाद एक कई सारे मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ के छोटे मोटे कीड़े भी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और खतरनाक थे जो किसी भी इंसान भी जान लेने में जरा सा भी नहीं चूकेंगे। बने से वो छूकियां ही क्यों ना हो, छूकियां ही इतना पावरफुल होती है कि वो किसी भी इंसान भी जान ले सकती है। ये विकतो दोनों वहां पर घबरा चुके हुए लेकिन तब भी उसमें अपनी पावर का इस्तेमाल करते वहां के कई सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। इसके बाद जो मैसेंजर होता है वो उस लड़की से कह रहा हो इस फॉरेस्ट की जितनी भी गहराई के नाम जाएंगे उतना ही ज्यादा ये फॉरेस्ट खतरनाक होते जाएगा, जिसका मैं सोचा था मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ये खतरनाक है। अब वो जो लड़की होती है मैसेंजर से कह रही होती है अब बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचानी, वरना तो आज सारे मॉन्स्टर में थे मुझे खा ही जाते। जिस तो मैसेंजर उससे कहता है मैं उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है तो मेरा पर्स था, हर एक डिसाइपल को किसी दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। ठीक अब कौन जाने दी किसके ऊपर मुसीबत आ सकती है, अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो कहीं कोई और हो सकता है हमारी मदद करने के लिए आ जाए। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है अमीन यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, लेकिन अंधेरा हो उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम रास्ते में चलते हुए बाकी लोगों पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है अंधेरा होते ही यहाँ पर और भी खतरनाक मॉन्स्टर आ सकते हैं जो हमारी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसमें वो लड़की कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से अभी तुरंत ही चले जाना चाहिए, हम नहीं चाहते नहीं कब को सा खतरा आकर हमारे पर अटैक कर दे। जिसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते ताकि अपने बाकी साथियों को वहां पर ढूंढ सके। दूसरी तरफ हम शेयरफॉन को देखते हैं जिसने अपने स्टिक को आगे रखा होता है और स्टिक के अंदर से ऑरा निकलते हुए सामने आने वाले जितने भी भगवान द्वारा पॉइजनस ऑरा होता है उन सभी को खत्म करते हुए शेयरफॉन के रास्ता बना रहा होता है। और स्टिक की बदौलत शेयरफॉन आसानी के साथ अपने बंदर के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। साथ ही वह फिर मोनी गौरा से आसपास के इलाके पर अच्छी नजर बनाए रखे होता है कि आसपास से अचानक से कोई खफरा कर उसके ऊपर अटैक न दे। और जैसे वो थोड़ी दूर अपनी नजर डालता है उसे लगता है कि सामने से कुछ बहुत ही खतरनाक अटैक उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे उसे बचना होगा। अगर वो नहीं बचेगा तो उसे तैयार वो उसकी जान चली जाए। और जैसे वो अटैक शेयरफॉन के पास आता है शेयरफॉन सही पैर पर वहां से हट जाता है, जिसमें से वो अटैक उसे नहीं लगता था। और ये अटैक किसी और में नहीं बल्कि जूकी में ही किया होता है, क्योंकि यहाँ पर वो उस पॉइजनस ऑरा की वजह से नहीं देख पा रही थी कि उसके सामने शेयरफॉन है कि या फिर कोई और है। उसे लग रहा होता है कि सामने उसके ऊपर मॉन्स्टर है जो उसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके उसके भी वहां पर खंड स्वॉर्ड को निकालते हुए शेयरफॉन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसी तरह से शेयरफॉन भी नहीं देख पाता कि उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जूकी कर रही है। और ये दोनों पिछले 10 साल से एक डिसीजन नहीं ले रहे, और अगर अभी यहाँ पर वो दोनों मिल गया तो ये इनकी मुलाकात 10 साल बाद होगी। शेयरफॉन जब इस थंडर स्वॉर्ड को देखकर तो वो एकदम साथ हैरान रह चुका था। वो खुद में कहता है लुशे ठीक कैसे याद तुम्हें आ रहा, लेकिन जरूर मैंने इस थंडर स्वॉर्ड को पहले भी कहीं देखा है। ये थंडर स्वॉर्ड वाले टेक्निज्म किसी ह्यूमन की होगी और ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। जिसके मालो वहां से उस थंडर स्वॉर्ड से बचते थे आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उस थंडर स्वॉर्ड तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से तब शेयरफॉन को भी यहाँ पर गुस्सा आना शुरू हो गया था। इसलिए वो वहां पर अपने स्टिक को बाहर निकालने पे और फिर उस स्टिक की मदद से उस थंडर स्वॉर्ड के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है कि वो थंडर स्वॉर्ड वहां से बहुत दूर फेंका जाती है। लुकिंग यहाँ पर जूकी भी कम पावरफुल नहीं कि उसने दोबारा साथ ही थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शेयरफॉन के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर कर दिया था। तब उसका कपड़ा देखकर शेयरफॉन ये सोच रहा होता है कि हो ना हो ये टिन्यू सेट्टी की कोई फैपल होगी, लेकिन आखिर ये है कौन जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है जो ये मुझे टक्कर भी पा रही है। इसके बाद जूकी दोबारा से कैसे रहता है शेयरफॉन के ऊपर रिकवर यू की, लेकिन अभी तक के वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए थे, बस अनजान तरीके से ये दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जहाँ पर जूकी थोड़ी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, बिल्कुल शेयरफॉन भी कम पावरफुल नहीं था, वो तो बस यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आके यहाँ पर अचानक से कौन आ गया। जिसके बाद वहाँ पर स्टिक का इस्तेमाल करते थे उस थंडर स्वॉर्ड को रोके जा रहा था। ये देखकर तब जूकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने वहां पर अपने थंडर स्वॉर्ड वाले फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर से अपनी सारी की सारी पावर को निकालते शेयरफॉन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिस वजह से बीपी शेयरफॉन चारों की चारों तरफ से उस थंडर स्वॉर्ड से घिर गया होता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था यह अचानक से थंडर स्वॉर्ड की यहाँ पर तादाद कैसे बढ़ गई। इसलिए वो वहां पर अपनी जिनो यांग एनर्जी को मिलाते हुए एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसके अंदर उसने शिन को बाहर निकाल दिया था और उसकी मदद से वो जितने भी थंडर स्वॉर्ड वहां पर आ रही होगी उन सभी को आसानी से खत्म कर दिया जाता है। एक भी थंडर स्वॉर्ड से वहां पर एक खरोंच तक नहीं दे पानी थी, उसे बड़ी ही आसानी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे थंडर स्वॉर्ड को वहां पर खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जूटी भी मेरे उठ गए वो दोबारा से अपने वहां पर एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने चांगशन से कैल्ड की भी वहां पर हालत खराब कर दी थी। और जब यहाँ पर शेयरफॉन इस अटैक को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस अटैक को मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं झेल सकता, मुझे यहाँ पर अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को यहाँ पर रोकना होगा। और जल्द से जल्द यहाँ पर एक कौन सा इंसान आ गया इसे हराने, वरना मुझे नहीं लगता कि इंसान आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाला है। इसके बाद अब वो वहां पर अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके स्टिक के अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि वहां पर उसके ऑरा से बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। और अब शेयरफॉन अपने स्टिक को लिए सीधा जूकी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि उसके थंडर स्वॉर्ड के साथ साथ उसका वहां पर फॉर्मेशन भी खत्म कर सके, जिस
फिर से तो वो यहाँ पर ज़ुकी को हरा देगा। उदुन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहे होते ताकि एक दूसरे की वहाँ पर जान ले सके। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर एक दूसरे के करीब आते हैं, ज़ुकी को वहाँ पर नजर में दिखाई दे जाता है कि जिसके सामने है वो कोई और नहीं बल्कि शियाओफानी है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसने आखिर 10 सालों बाद शियाओफान को देख लिया। उसी तरह से शियाओफान भी जब ज़ुकी को यहाँ पर देखता है तो वो भी एकदम साथ हक्का बक्का रह चुका था कि वो जब से जिस इंसान से फाइट करते हुए आ रहा है वो इंसान को यौ नहीं बल्कि ज़ुकी ही थी। उसे समझ आ गया होता है कि ज़ुकी इतने साल में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसलिए जैसे उन दोनों का अटैक एक दूसरे पे लगने वाला होता है इससे पहले वो दोनों अपने अटैक को वहाँ पर रोक लेते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने से होते हुए गुजर जाते हैं और इस तरह से दोनों का अटैक एक दूसरे को नहीं लगता। लेकिन वो दोनों वहाँ पर कुछ सोच समझ पाते हैं अटैक को रोकने की वजह से वो दोनों वहाँ से बहुत दूर तक आ गए होते और पॉइजनस ऑरा की वजह से वो दोनों दोबारा से गुम हो जाते हैं। कोई किसी को नहीं देख पा रहा था कि कौन कहाँ पर चला गया, जिसके बाद हम ज़ुकी को देखते हैं जो काफी दूर आने के बाद एक जगह पर खड़ी होती है और वहाँ पर खड़े होने के बाद वो शियाओफान को याद कर रही होती है, जहाँ वो उससे कह रही होती है कि फ्यूचर में हमारी मुलाकात फिर से होगी, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी हमारी मुलाकात होगी हम पुराने जैसे दोस्त नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होंगे क्योंकि तुमने डीमन पाथ को अपना लिया है और मैं अभी तक ह्यूमन पाथ के ऊपर ही चल रही हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक न एक दिन जरूर जान जाओगे कि आखिर जिस रास्ते पे तुम निकले हो वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ुकी ने आज पहली बार 10 सालों में शियाओफान को इतना ज्यादा खतरनाक गुस्से में और पावरफुल देखा था, वो भी डिमोनिक ऑरा के साथ, जिस वजह से वो एकदम ज्यादा हैरान रह गई होती है। उसी तरह से दूर खड़े होकर शियाओफान भी ज़ुकी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने बंदे से कहता है, क्या तुमने उसे पहचाना कि वो कौन थी? लेकिन मैं उसे पहचान चुका हूँ कि आखिर वो कौन थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया, जबकि उसने मेरा डिमोनिक ऑरा देख लिया था, जिस वजह से उसे मालूम पड़ गया होगा कि मैं एक डीमन हूँ, पर तब भी उसने मुझे वहाँ पर अटैक नहीं किया और मुझे वहाँ पर से जाने दिया। वो तो एक ऐसी लड़की थी जिसे डीमन से सबसे ज्यादा नफरत है, तो आखिर तब भी उसने मुझे वहाँ पर क्यों छोड़ा? इसी चीज की वजह से उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो गुस्सा करे तो करे किस चीज पे, और पुरानी ह्यूमन वाली बातें याद करने की वजह से उसका जो डिमोनिक ऑरा होता है धीरे धीरे करते हुए उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, ताकि शियाओफान दोबारा से अपने ह्यूमन वाली याद में ना चला जाए। जब 10 साल पहले वो ह्यूमन से इतनी ज्यादा क्लोज हुआ करता था और डीमन से नफरत करता था, इसी वजह से उसका डिमोनिक ऑरा उसे वहाँ पर पोजेस कर रहा होता है ताकि शियाओफान को फिर से डीमन बना सके, जिस वजह से देखते देखते शियाओफान के अंदर से भयंकर तरीके से डिमोनिक ऑरा बाहर निकलने लग गया था। इस चीज को देखकर तो शियाओफान भी हैरान रहता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। वो अपने ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, उसके स्टिक की सारी की सारी पावर उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। इस चीज को देखकर तो शियाओफान का बंदर भी घबरा जाता है, वो उसके ऊपर से साइड होकर निकल आता है, बल्कि उसे लग रहा था कि शियाओफान यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका है कि कहीं वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ना ले ले, क्योंकि शियाओफान यहाँ पर पूरी तरह से डिमोनिक ऑरा की पोजीशन में जा चुका था, वो वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता है और उसका वहाँ पर पूरी तरह से खून खौलने लग गया था ह्यूमंस को लेकर। इस वजह से उसके अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलता है कि आसपास की पूरी जगह ही टूटना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ चुका है। ये देखकर तो बंदर भी हैरान था कि न जाने शियाओफान को अचानक से यहाँ पर हो क्या गया। शियाओफान अपनी वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस डिमोनिक ऑरा को रोक सके, लेकिन वो ऑरा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर तब भी शियाओफान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पर डिमोनिक ऑरा को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी देर की मेहनत के बाद वो धीरे धीरे करते हुए अपने डिमोनिक ऑरा को वहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा था, जिस वजह से वो फिर से वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। वरना अगर वो वहाँ पर नॉर्मल नहीं होता तो न जाने यहाँ पर कितने लोगों की वो जान ले लेता अपना होशो हवास खोकर। तब जैसे वो नॉर्मल होता है उसके पास उसका बंदर आता है जो वहाँ पर शियाओफान को संभालने के लिए आया था। तब शियाओफान जो होता है उससे कह रहा होता है, वो तो भला हो मेरे ह्यूमन और डीमन दोनों तरह की पावर का, वरना अगर मैंने यहाँ पर अपनी यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को कंट्रोल नहीं किया होता तो न जाने मैं हो सकता है तुम्हारे पर ही अटैक करके तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन खैर जो हुआ, मैं अब यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर चुका हूँ, इसलिए अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि खतरा अब भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमारे सफर की बस शुरुआत ही है, हमें अब यहाँ पर से बहुत लंबा सफर तय करना है। दूसरी तरफ हम त्यानिंग टेंपल के एक मॉन्क को देखते हैं जो अपने साथियों को आवाज लगाते हुए जंगल में आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो भी बेचारा अपने साथियों से अलग हो चुका था। मतलब उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पिंगनर आ जाती है, जहाँ पर अपनी हरकतों से उस मॉन्क को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उससे कह रही होती, तुम्हारी किस्मत में ही लिखा था आज मुझसे मिलना, तुम कुछ टाइम में जान जाओगे कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस मॉन्क को कंट्रोल कर रही होती है, जिस वजह से धीरे धीरे करते हुए वो मॉन्क भी उसके कंट्रोल में जाने लगता है, क्योंकि पिंगनर के पास पजस करने की इतनी खतरनाक ऑरे वाली पावर जो है वो किसी को भी अपने ऑरा की मदद से अपने कंट्रोल में कर सकती है। लेकिन उस मॉन्क के पास जो उसका भारा होता है वो अपने अंदर से पावर निकालते हुए उस मॉन्क को वहाँ पर ठीक कर देता है, जिससे पिंगनर का जो भी पोजीशन वाला ऑरा उस मॉन्क के अंदर गया था वो धीरे धीरे करते हुए उसके अंदर से बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्क दोबारा से नॉर्मल होते जा रहा था। इसलिए वो वहाँ पर अपने भाले को लिए पिंगनर के पास आता है, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। पिंगनर जो होती है उस मॉन्क से कह रही होती है, मैंने तो सुना था कि मॉन्क अच्छे इंसान होते हैं जो सारे लोगों को माफ करते जाते हैं, लेकिन तुम तो देखो, तुम तो सीधा मुझ पर अटैक करने के लिए आ गए, मुझे नहीं लगता कि तुम एक नॉर्मल मॉन्क हो, और जब तुमने ठीक तरह से मॉन्क की पढ़ाई नहीं की तब तो तुम्हें मारने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो
मॉन्क वहाँ पर पिंगर की चिकनी चुपड़ी बातों में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहाँ पर अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक पिंगर पे किए जा रहा होता है, लेकिन पिंगर तो वहाँ पर उसके अटैक उसको असर ही नहीं हो रहा था। वहाँ पर टास्क करते हुए बड़ी आसानी के साथ उस मॉन्क को हराया जा रही होती है, जिस वजह से मॉन्क तो उसको वहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो वहीं थोड़ी दूर हम फैनशान वैली के उस आदमी को देखते हैं जिसने पिछले एपिसोड में एक जगह पर निशान बनाया था। वो वहाँ पर देख भी लेता है कि वो मॉन्क पिंगर के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर कुछ नहीं करता, अपना वहाँ पर आगे बढ़ जाता है। इधर हम जिन्यू को देखते हैं जो खुद भी आगे बढ़ते हुए जंगल के काफी बीच में आ चुका था। तब उसे वहाँ पर आने के बाद वो डिसाइपल दिखाई देता है जिसके पीछे भी वो बास वाला मॉन्स्टर पड़ा था। उसके ऊपर वो लगातार अटैक किया जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करके वहाँ पर उसकी जान लेता है, वहाँ पर दूसरा मॉन्क आकर उस बास वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन अब वो बास मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ उस मॉन्स्टर के पास काफी ज्यादा पावर थी। वो दोनों भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पा रहे होते, जहाँ उसने अकेले ही इन दोनों को संभाले होता है। लेकिन तब भी काफी देर की फाइट के बाद आखिरकार वो दोनों उस मॉन्स्टर को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर जिन्यू भी आ जाता है। लेकिन उस बास वाला मॉन्स्टर जहाँ दूर फेंकाया था वो किसी तरह के फूल के पास आ गया होता है, जिस फूल के अंदर से अजीब से बेले निकल कर उस मॉन्स्टर को वहाँ पर पकड़ लेती है और उसका डिमोनिक कोरा खुद के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जहाँ देखते ही देखते उस फूल ने पूरी तरह से उस मॉन्स्टर को अपने चंगुल में ले लिया था, वो वहाँ पर उसे लेकर खा जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर किस तरह का फूल है, इसने तो यहाँ पर इस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ खा लिया। अगर कोई इंसान यहाँ पर जाएगा तो वो तो उसकी भी ऐसी हालत कर देगी। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे, ये तो एक बिल्कुल मॉन्स्टर है या फिर किसी तरह का डीमन है। लेकिन तब फूल ने उन तीनों को भी वहाँ पर देख लिया होता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी बेलों को निकालते हुए उन तीनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे जैसे उससे बचकर वहाँ से दूर आ जाते हैं, तो जो डिसेबल होता है बाकी लोगों से कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा तक रुकना ठीक होगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कभी भी ये फूल अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। जिस पर बाकी लोग भी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं ताकि उस फूल से अपनी जान बचा सके। इधर हम शियाओफान के बंदर को देखते हैं जो शियाओफान के साथ वहाँ से आगे बढ़ा होता है, जहाँ पर शियाओफान चुपके से बुयान का पीछा कर रहा था कि आखिर ये बुयान जाता कहाँ है, क्योंकि बुयान ने तो उससे कहा था कि वो इस वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर नहीं आने वाला है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर आ गया था। इसलिए शियाओफान उसका पीछा कर रहा होता है ताकि देख सके कि आखिर ये जाता तो जाता कहाँ है। तो वहीं वहाँ पर एक छोटी चिड़िया बैठी होती है जो सारी की सारी चीजों पर नजर रखी हुई थी, और वो चिड़िया किसी और की नहीं बल्कि बियाओ की आंट की ही होती है, जिसने उस चिड़िया को वहाँ पर भेजा था ताकि वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर क्या क्या हो रहा है वो उसके ऊपर नजर रख सके, जिस वजह से वेस्टर्न स्वाम्प की सारी चीजें अब वहाँ पर बियाओ की आंट को भी मालूम पड़ गई होती है। दूसरी तरफ हम कई सारे सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो सभी वहाँ से शियाओफान और बागियो को ढूंढने के लिए जा रहे थे, क्योंकि शियाओफान और बागियो ने मिलकर ये उनके एक साथी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था जब वो मॉन्स्टर जुई के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। उसी तरह शियाओफान ने अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को मार दिया था। इस वजह से उस मॉन्स्टर के जितने भी साथी होते हैं उन सभी ने वहाँ पर अपनी टीम बना ली होती ताकि शियाओफान और बागियो से अपना बदला ले सके, जिसके बाद वो सारी की सारी टीम वहाँ पर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।